हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिंगराज टेक्नो चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे थे चैप्टर वाइज, जिसमें हमारा चैप्टर था सीट मेटल। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम लोग पिछले वीडियो में 69 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि चैनल से आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है आज का 70 नंबर का। इस स्टैक के दोनों सिरे लंबे होते हैं। एक सिरा एक तरफ मुड़ा हुआ होता है और दोनों किनारों में वर्गाकार छिद्र बने होते हैं। पहचान कीजिए। तो दोस्तों, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसको पहचानना है कि ये कौन सा स्टैक है। इस फिगर को पहचानिए कि कौन सा स्टैक है। तो दोस्तों, ये कौन सा स्टैक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ये है दोस्तों, हार्स स्टैक है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कौन सा स्टैक है दोस्तों, हार्स स्टैक। इसको आप ध्यान से इस फिगर को पहचान लीजिए कौन सा है, हार्स स्टैक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71 नंबर का। दर्शाए गए चित्र में सीट सरफेस पर रेखाएं खींचने के लिए मार्किंग टूल का उपयोग किया जाता है, पहचान कीजिए। तो दोस्तों, ये इसकी पहचान करना है कि ये क्या है। तो ये कौन सा चीज़ है दोस्तों, स्क्राइबर है। क्या है, स्क्राइबर। ये कौन सी चीज़ है, स्क्राइबर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में यक्ष से लेबित भाग को पहचानिए। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, रिवेट। ये कौन सी चीज़ है, रिवेट स्नैप है। तो ये डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिवेट स्नैप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73 नंबर का। इस स्टैक के दो हॉर्न्स होते हैं, एक टेपर व दूसरा आयताकार, पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ये इसकी पहचान करनी है कि ये कौन सा स्टैक है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, इसको फिगर देख लीजिए पहले, फिर ऑप्शन देखते हैं ये कौन सा स्टैक है दोस्तों। ए क्रीजिंग आयरन, बी हैचेट स्टैक, सी बीक आयरन स्टैक और डी राउंड बॉटम स्टैक। तो दोस्तों, ये कौन सा स्टैक है, बीक आयरन स्टैक। बीक मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंग होता है। तो उसी के आकार का ये कुछ स्टेक है, देख लीजिए। तो ये बीक आयरन स्टेक होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74 नंबर का। सीट मेटल कार्य में डॉट डॉट सबसे मजबूत जोड़ होता है, जिसमें फॉरवर्ड एज ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। तो ये कौन सा होता है दोस्तों, ए सिंगल सीम, बी डबल सीम, सी लैप सीम और डी ग्रुप्ड सीम। तो दोस्तों, कौन सा होता है, डबल सिम। ये सबसे मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चित्र में 75 नंबर का दर्शाए गए ट्रेमल के द्वारा कितने अर्धव्यास वाली वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये जो ट्रेमल, आप ये कौन सा टूल है दोस्तों, ये ट्रेमल है। तो इसके द्वारा हम कितने माप वाले अर्धवृत्त खींचे जा सकते हैं, इसके द्वारा हम दोस्तों 72 इंच तक के अर्धव्यास या गोला या रेडियस खींच सकते हैं। तो चलिए 72 इंच। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैक क्या होता है दोस्तों 76 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। स्टैक क्या होता है, चिन्ह टूल, हस्त टूल, कर्तन टूल, सहारा टूल। तो दोस्तों, स्टैक क्या होता है, सहारा टूल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है 277 नंबर का। एक एक धातु चादर को 90 डिग्री पर सही रूप से मोड़ने के लिए उत्तम टूल निम्न में से होता है। तो एक धातु को अगर दोस्तों 90 डिग्री पर मोड़ना है तो हमें किस टूल का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है मोड़न छड़, बी है कोण लोहा, सी है हस्त हथौड़ा मतलब हैंड हैमर, और डी है हैचेट स्टॉक। तो दोस्तों कौन सा प्रयोग करेंगे हम? हैचेट स्टॉक का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? हैचेट स्टॉक का, किसी धातु को 90 डिग्री पे मोड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78 नंबर का। प्रथम रिवेट के केंद्र से किनारे तक की अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है रिवेट का 1.5 डी, डी यानी कि व्यास, रिवेट का व्यास। तो बी ऑप्शन रिवेट का 2 डी, और सी ऑप्शन रिवेट का 3 डी, और 78 ऑप्शन कितना है दोस्तों? रिवेट का 4 डी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1.5 डी। मतलब कहने का इसका है कि दोस्तों कि मान लीजिए अगर ये एक सीट है तो यहाँ पे इस तरीके से रिवेट किया जा रहा है, तो ये कह रहा है कि ये जो सीट का किनारा है ये वाला, यहाँ से इस रिवेट की कितनी दूरी होनी चाहिए? तो रिवेट के व्यास का 1.5 डी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79 नंबर का। काउंटर सिंक हेड मशीन की बैठन यानी सिटिंग के लिए स्क्रू तथा होल के बेडिंग के मध्य काउंटर सिंक कोण का मान होगा। तो काउंटर सिंक कोण का मान कितना होगा दोस्तों? 80 डिग्री। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 डिग्री, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। काउंटर सिंक हेड मशीन की बैठन के लिए स्क्रू तथा होल के डेबिटिंग के मध्य काउंटर सिंक कोण का मान क्या होगा? तो कितना होगा दोस्तों? सी ऑप्शन 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शीट मेटल कार्य में किस हथौड़े का उपयोग किया जाता है? तो शीट मेटल वर्क में किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बॉल पिन हैमर, बी ए स्लेज हैमर, सी ए क्लास पिन हैमर, क्लास पिन हथौड़ा है हम, और डी है मृदु हथौड़ा। तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे शीट मेटल में? कास्ट हथौड़ा यानी कि मृदु हथौड़ा यानी लकड़ी का बना हुआ। चलिए दोस्तों अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 81 का। रिवेटिंग कार में रिवेट सेट का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए है चादरों को एक दूसरे के समीप लाने के लिए, बी ऑप्शन चादर को रिवेट के पर्थ सीधा करने के लिए, सी ऑप्शन चादरों के मध्य भार हटाने के लिए, डी ऑप्शन रिवेट का सही स्थिति में संयोजन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन चादरों को एक दूसरे के समीप लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रिवेट सेट का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 82 नंबर का। चित्र में प्रदर्शित स्टैक का मान नाम पहचानिए। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं कौन सा स्टैक है इसको आपको पहचानना है। तो ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, ऑप्शन है ए गोल शीर्ष स्टैक, बी है फनल स्टैक, डी है सी है अर्धचंद्रकार स्टैक, और डी है ताम्रकारी स्टैक। तो ये दोनों कौन सा क्वेश्चन है? ये कौन सा स्टेक है? ताम्रकारी स्टेक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 83 नंबर का। पेंटिंग के पूर्व चादरों को रुच जंग को अलग करने के लिए प्रयुक्त ब्रश का प्रकार। तो दोस्तों अगर हमें किसी धातु पर पेंटिंग करना है तो उस पर हमें प्रयुक्त पहले उसकी जंग को छुड़ाना होता है, तो हम किस ब्रश का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है आपके पास ए है कास्ट ब्रश, बी है नायलान ब्रश, सी है तार ब्रश, और डी है पेंटिंग ब्रश। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तार ब्रश, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 84 नंबर का। सीट मेटल का वह गुण जिससे सीट एक ही दिशा में रोलिंग की जा सके। तो ऑप्शन ए है फोल्डिंग, बी है बेंडिंग, सी है कालिंग,
और डी है डायरेक्शनेलिटी, डायरेक्शनेलिटी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, डायरेक्शनेलिटी जो होती है इसी गुण के कारण सीन मेटल एक ही दिशा में रोल की जा सकती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 85 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक स्टिक धातु चादर के अत्यधिक मुड़ा हुआ और लपेटा हुआ सीधा तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, फनेल स्टेक, बी है हैचेट स्टेक, सी है क्रीजिंग आयरन स्टेक और डी है हाफ मून स्टेक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैचेट स्टेक का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोग किया जाता है जब चादर के सीधे धार पर एक डूबा हुआ बीड हो? तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपके पास हैचेट स्टेक, बी है गोल आधार वाला स्टेक, सी है सिकुड़न आयरन और डी है प्लानिशिंग एनविल। तो दोस्तों यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? सी, सिकुड़न आयरन का। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78 नंबर का, रिवेटिंग के पश्चात दो चादरों के मध्य अंतराल पर ध्यान गया, यह त्रुटि के कारण हुई, डॉट डॉट के कारण हुई। रिवेटिंग के पश्चात दो चादरों के मध्य अंतराल यानी गैप पर ध्यान गया, यानी कि गैप बन गया, तो यह त्रुटि किसके कारण हुई? तो ऑप्शन है आपके पास, रिवेट की लंबाई कम होने से, बी है वृहत आकार के ड्रिल किया हुआ छेद, सी रिवेट सेट के बेढंग से उपयोग करने से और डी ऑप्शन रिवेट का बहुत अधिक लंबा होना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, रिवेट सेट के बेढंग से उपयोग करने से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 88 नंबर का, रिवेटेड जोड़ के सतह पर ऊंचाई को समाप्त करने के लिए रिवेट का नाम बताइए। तो रिवेटेड जोड़ के सतह पर ऊंचाई को समाप्त करने के लिए रिवेट का नाम बताइए। तो ऑप्शन है आपके पास, पान हेड रिवेट, बी है समतल सिर रिवेट और सी, बी है समतल सी रिवेट और सी है स्नैप हेड रिवेट और डी है काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समतल सिर रिवेट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 89 नंबर का, जब रिवेट जोड़ा जाता है तो कुछ साधारण त्रुटि पाई जाती है जिससे रिवेट का मुड़ना, इसका क्या कारण है? तो रिवेट का मुड़ना के क्या कारण है? ए है छिद्र अधिक लंबा होना, बी है छिद्र में क्लॉग जल जाना, सी रिवेट की लंबाई अधिक होना, डी जब रिवेट किया जा रहा हो तो अत्यधिक बल का प्रयोग करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? छिद्र अधिक लंबा होना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 90 नंबर का, एनविल बीक डॉट 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 के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो एनविल बीक होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है धातु को नीचे की ओर खींचने और काटने के लिए, बी मोड़ने और गोलाई संचालन के लिए, सी कार्य में छेद किया हुआ छिद्र और डी है हार्डी अस्टे को समावेश करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? मोड़ने और गोलाई के संचालन के लिए हम एनविल बीक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो में कहीं कुछ कमी रह गई हो या जो अभी आप अपना सुझाव देना चाहते हो तो हमें कमेंट करें प्लीज़। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।